है, झंडा भी हमारा यहाँ फहरा रहा है, लेकिन राजा नहीं है। और उस राजा को बनाने के लिए भी एक हथियार, बहुत मजबूत हथियार, वो जब बाबा साहब हमें दे गए, वोट का अधिकार। अब इस अधिकार को हम कैसे इस्तेमाल करें, ये वाकई में एक बड़ा प्रश्न है और बहुत ही गंभीर प्रश्न भी है। और मैं समझता हूं शायद अगर हम इसे तरीके से इस्तेमाल करते तो आज वो कमी भी पूरी हो गई होती कि राजा हमारा होता, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत तो रही है। उस राजा को बनाने में जो उन्हें आप मनसबदार कह सकते हैं, जो सांसद हैं, आज की तारीख में 131 सांसद हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे सांसद नहीं है, लोकसभा में 131 सांसद हैं, राज्यसभा में भी लगभग 25 सांसद हैं, लेकिन उस सबके बावजूद भी ना तो हमारा राजा है और ना ही अगर संविधान जलाया जाता है उसके विरोध में उनमें से कोई बोलता है। दुख की बात यह है कि उनमें से कोई नहीं बोलता। वैसे तो हर सांसद को, हर विधायक को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को, कैबिनेट मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को भी बोलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राष्ट्रपति भी बहुजन समाज से है, 132 एमपी भी है लोकसभा में, राज्यसभा में भी है, संविधान जलाते समय कोई नहीं बोला। और फिर साथ के साथ में जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 4 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो बाहर आके पब्लिक में ये बात कहें कि लोकतंत्र खतरे में है, तो लोकतंत्र खतरे का मतलब है कि संविधान खतरे में है, और संविधान खतरे में है तो हम सारे के सारे ही सब खतरे में है। ऐसा तो है नहीं कुछ एक ही चीज खतरे में। संविधान कोई किताब नहीं है, संविधान इस देश की रूह है। इस देश का अगर मैं कहूं सब कुछ है संविधान, क्योंकि उसी संविधान से हम सबको अधिकार मिले हैं। आज देह रूप में बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप में हमेशा हमारे साथ में, और धरती जब तक रहेगी तब तक वो हम सबके साथ में रहेंगे। जो भी लोग तरक्की पसंद है, न्याय पसंद है, समानता और स्वतंत्रता पसंद है, उनके बीच हमेशा रहेंगे। उस सबके बावजूद भी संविधान हमारे बीच में है और हमें वो सारे अधिकार देता है, और वो सारे अधिकार अगर हम उसकी प्रस्तावना पढ़े तो उसमें बहुत क्लियर हो जाता है। कभी भी सुप्रीम कोर्ट में कोई बात होती है तो सबसे पहले उसकी प्रस्तावना को देखा जाता है, क्योंकि उस प्रस्तावना में ही सब कुछ है। जो उसका मूल ढांचा हम कहें या उसके जो मुख्य बिंदु अगर हम कहें तो प्रस्तावना में ही है। तो जब संविधान हमारा कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, और मैं समझता हूं इसमें से हमें कोई नहीं मिला। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कोई न्याय हमें नहीं मिला है। समाज में कितनी असमानता है, आज भी जाति के नाम पर अपमानित किया जाता है, जाति के नाम पर हमें बिल्कुल अछूत समझा जाता है, और जाति के नाम पर हर जगह हमारा शोषण होता है। आर्थिक समानता क्या स्थिति है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब आंकड़े आते हैं तो पता लगती है कि देश के केवल 1% लोगों के पास इस देश की 73% संपत्ति है, और इससे और आगे अगर हम आंकड़े देखें तो इस देश के केवल एक जाति विशेष के पास में 90% से ज्यादा जो टॉप मोस्ट पद हैं इस देश में वो सारे उसके कब्जे में हैं। इस देश की 65% जमीन उन 15% लोगों के हाथ में है जो 3500 साल से हम सबका बहुजन का शोषण करते आ रहे हैं। 90% मीडिया उनके हाथ में है, 90% बिजनेस उनके हाथ में है। तो आर्थिक समानता कहां है, आर्थिक न्याय हमें कहां मिला, और जिम्मेदारी किसकी थी, सरकार की। 68 साल तो बीत गए हैं, संविधान लागू हुए 68 साल बीत गए, 68 साल में केवल कोई एक पार्टी नहीं, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा, हर पार्टी ने हमें दिया कुछ नहीं। अगर कोई भी पार्टी देती तो कहीं कुछ तो होता, लेकिन नहीं है। वो भी जो भी कुछ मिला है हम सब लोग जितना संघर्ष कर पा रहे हैं
उसी के कारण मिल पा रहा है, बच पा रहा है, अन्यथा वो भी नहीं मिलता। और उसको भी धीरे 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 हर स्तर पर खत्म किया जा रहा है। तो कहां हमें न्याय मिला और राजनीतिक न्याय? तो राजनीतिक न्याय में मैं तो दोनों ही बात कहूंगा, कुछ पार्टियां इस तरह की हैं कि जो जिम्मेदारी उन्हें निभानी चाहिए थी हमारी अपनी पार्टियां, उन्होंने नहीं निभाई। जो काम उन्हें करना था उन्होंने नहीं किया। लोकसभा में बैठे 131 एमपी, राज्यसभा में बैठे 25 एमपी और इस देश में 1145, सभी 30 विधानसभा और 6 विधान परिषदों में मिला के जो हमारे एमएलए और एमएलसी हैं, उन्होंने भी किसी ने कोई काम तो किया नहीं, कभी किसी ने कोई काम नहीं किया। तो इसी ये बात पूज्य बाबा साहब उसी समय जानते थे जब उनको सांप्रदायिक पंचायत के बाद पुनः पैक्ट करना पड़ा और उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें सारी चीजें क्लियर भी हो गई और बहुत दुख के साथ उन्हें कहना भी पड़ा बाबा साहब को कि जो कुछ हुआ बहुत अच्छा नहीं हुआ। ये जो लोग हैं कांग्रेस से बहुत से लोग जीत के आए, उस समय कांग्रेस मेन पार्टी थी, लेकिन उन सबने जब समाज की बात आती थी तो कभी समाज की बात उठाई नहीं। यही वो चाहते थे और यही वो लोग उसमें सफल हो गए। लेकिन बाबा साहब अकेले थे, कोई और ऐसा साथ देने वाला नहीं था, करते क्या नहीं करते, पर उस सब के बावजूद भी जितना किया। लेकिन अब धीरे 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 समाज जागरूक हो रहा है, इस समाज को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और जो आपके अपने हक और अधिकार है और साथ में आपकी जिम्मेदारी है उसे भी समझना पड़ेगा। साथियों एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, भावनात्मक रूप से आप सोचना जितनी जल्दी बंद कर दें, काम करना जितनी जल्दी बंद कर दें उतना ही अच्छा है। इस बुद्धि का इस्तेमाल करें। हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करके बहुत नेताओं ने हमारा शोषण किया है, हमारा हक मिलने से हमें रोका है सिर्फ भावनात्मक रूप से। और जो दूसरे लोग हैं जो हमारा शोषण कर रहे हैं वो भावनात्मक रूप का इस्तेमाल हमारा शोषण करने के लिए ही करते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो लोग सफल है, चंद लोग होते होते। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा साथियों, ये हमने मांगने की पद्धति बहुत बना ली, इसे बंद करना चाहिए।